नमस्कार, स्वागत है आपका ताजा खबर में। देश की सबसे बड़ी खबरों के साथ देश की सबसे बड़ी पहली खबर। आज पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का उद्घाटन। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी शनिवार को सोल में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया और कहा, कल 9 जनवरी को सुबह 10:30 बजे प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन को संबोधित करूंगा। यह हमारे जीवंत प्रवासी लोगों के साथ बातचीत करने का एक शानदार अवसर होगा। बता दें कि यह आयोजन वर्चुअल होगा और इसका विषय है आत्मनिर्भर भारत में योगदान। उद्घाटन सत्र के दौरान सूरीनाम गणराज्य के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसोद संतोखी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वहीं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इस सम्मेलन को संबोधित करते हुए शुरुआत करेंगे। दूसरी देश की सबसे बड़ी खबर, किसानों और सरकार की 9वें दौर की बैठक रही विफल। जी हां, केंद्र के नए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों और सरकार के बीच शुक्रवार दोपहर को 8वें दौर की बातचीत भी बेनतीजा रही। वार्ता का कोई नतीजा न निकलने पर अब अगले दौर की वार्ता के लिए 15 जनवरी का दिन तय किया गया है। तीसरी देश की सबसे बड़ी खबर, अमित शाह आज करेंगे मिजोरम का दौरा। जी हां, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 9 जनवरी से मिजोरम का 2 दिवसीय दौरा करेंगे। राज्य के एक अधिकारी ने बताया कि 9 जनवरी को अमित शाह लिंगपुई हवाई अड्डे पर पहुंचेंगे, जहां उनका स्वागत के लिए मुख्यमंत्री जोरामथंगा के मौजूद रहने की संभावना है। अधिकारी ने बताया कि केंद्रीय मंत्री भारत म्यांमार के पास पंचाई जिले के गुखावतर गांव में लैंड कस्टम स्टेशन का निरीक्षण करेंगे। चौथी देश की सबसे बड़ी खबर, भारतीय मूल वनिता गुप्ता बनी अमेरिका की एसोसिएट अटॉर्नी जनरल। जी हां, अमेरिका में संसद पर हुए उपद्रवियों के हमले के बाद चल रही सियासत के बीच एक भारतीय मूल की महिला वकील को एसोसिएट अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया है। अमेरिका के नव निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय मूल की अमेरिकी महिला वनिता गुप्ता को एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के पद के लिए नामित किया है। अगर उनकी नियुक्ति को सीनेट की मंजूरी मिल जाती है तो वह इस पद पर पहुंचने वाली अमेरिका की पहली अश्वेत महिला होगी। पांचवी देश की सबसे बड़ी खबर, 14 साल के लियोन मेंडोका बने भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर। जी हाँ, 14 साल के लियोन मेंडोका भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। मेंडोका कोविड के कारण मार्च से ही यूरोप में फंसे थे। उन्होंने 3 महीने में 16 टूर्नामेंट खेले, इससे उनकी ईलो रेटिंग 140 अंक तक बढ़ गई। अखिल भारतीय शतरंज महासंघ ने इस पर गौर करते हुए उन्हें ग्रैंड मास्टर की उपाधि दी। रोज की ताजा खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें डियर जिंदगी चैनल को। नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाइए, उसके साथ आए हुए बेल आइकॉन यानी घंटी के निशान को भी दबा दीजिए, ताकि जब भी ताजा खबर आए आपके सामने प्रस्तुत हो जाए।